अर्थव्यवस्था की रफ्तार में आई सुस्ती पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। इसका मूल कारण अर्थव्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय से होना और मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं होना है। एक कॉलम में अर्थव्यवस्था को मुसीबत से निकालने के लिए उपायों की चर्चा करते हुए राजन ने पूंजी लाने के नियमों को उदार बनाने, बाजारों में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने सरकार से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और घरेलू क्षमता में सुधार लाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने का आग्रह किया था। मौजूदा सरकार की केंद्रीगत प्रकृति को समझने की जरूरत है। केवल फैसला ही नहीं बल्कि विचारों, योजनाओं पर निर्णय भी प्रधानमंत्री के कुछ नजदीकी लोग और पीएमओ के लोग लेते हैं। पिछली सरकारों का गठबंधन भले ही ढीला हो लेकिन उन्हें लगातार अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का रास्ता चुना। राजन का कहना है कि मंत्रियों के शक्तिहीन होने के साथ साथ सरकार का बेहद अधिक केंद्रीकरण और दृष्टिकोण की कमी यह सुनिश्चित करता है कि पीएमओ के चाहने पर ही सुधार के प्रयास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।